एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज और अब हम जो BST चैलेंजेस में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसका नाम है zig zag traversal तो zig zag एक कैसा प्रॉब्लम है जिसमें हमें गिवन होगा एक बाइनरी सर्च ट्री और इस ट्री में हमें क्या करना होगा इस ट्री में हमें अपने ट्री का zig zag traversal प्रिंट करना होगा तो इस एग्जैक्ट रिवर्सल कहने का क्या मतलब है ये कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट लेवल पर हम लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर प्रिंट करते हैं तो सेकेंड लेवल पर हम राइट टू लेफ्ट प्रिंट करेंगे थर्ड लेवल पर लेफ़्ट टू राइट एंड फोर्थ लेवल पर फिर से राइट टू लेफ्ट तो इस तरह जग्जैक्ट मैनर में मतलब अपनी डायरेक्शन हर बार ऑपोजिट बनाते हुए हम लेवल ऑर्डर ही करने वाले हैं बट अगर एक बार डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की तरफ है तो उसके अगली बार डायरेक्शन होने वाली है राइट से लेफ्ट की तरफ तो इस तरह हम अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करेंगे और अपना जो जेगजैक्ट रिवर्सल है उसे प्रिंट करेंगे तो जो गिवन ट्री है उसे एग्जाम्पल लेकर हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअली जेगजैक्ट रिवर्सल क्या होता है और कैलकुलेट कैसे होता है तो सबसे पहले हम रूट लेवल से शुरू करते हैं रूट लेवल यानि जरूरत लेवल यहाँ पर हम जो डायरेक्शन रखेंगे अपनी वो रखेंगे राइट right की तरफ यानि लेफ्ट टू राइट तो अपने ट्रावर्सल में जेगजैक्ट ट्रावर्सल में हम ऐड करने वाले हैं अपनी रूट लेफ्ट से राइट right वाली डायरेक्शन में यानी वन उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट लेवल पे तो फर्स्ट लेवल पे हमारी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स यानी राइट से लेफ्ट और रिवर्स डायरेक्शन में हमारे जो नोड्स आएंगे वो आएंगे थ्री एंड टू तो उनको भी हम अपने जग्जैक्ट रिवर्सल में ऐड कर लेंगे उसके बाद हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी राइट लेफ्ट से अल्टरनेट करके हम दोबारा राइट पर आ गए और अब हम कर रहे हैं अपने सेकंड लेवल को तो सेकंड लेवल में राइट डायरेक्शन की तरफ जो नोड्स आती हैं वो आती हैं हमारी फोर एंड फाइव तो फोर एंड फाइव को भी हम फाइनल आंसर में ऐड कर लेंगे उसके बाद लास्ट लेवल पर जब हम आएंगे तो हमारी डायरेक्शन राइट right से हो जाएगी लेफ्ट अब लेफ्ट डायरेक्शन है लास्ट लेवल में तो नोट्स किस तरह से ट्रिवर्स होंगी नोट्स ट्रिवर्स होंगी राइट से लेफ्ट की तरफ यानी पहले सेवन एंड देन सिक्स तो सेवन एंड सिक्स को भी हम अपने जिक्सैक्ट ट्रिवर्सल में ऐड कर लेंगे अब अपनी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं कि हम एक्चुअली कोड कोडवाइज एग्जैक्ट रिवर्सल को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो स्ट्रैटेजी इज अ थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी जिसमें पहला स्टेप ये है कि हम दो स्टैक्स ले लेंगे और इनमें से एक स्टैक को हम नाम देंगे करंट लेवल का स्टैक दूसरे स्टैक को हम बना देंगे नेक्स्ट लेवल का स्टैक तो पहले स्टैक में हमारे जो नोड्स होंगे वो करंट लेवल के नोड्स इनपुट हो रहे होंगे या पुश हो रहे होंगे और सेकेंड स्टैक में हमारे नेक्स्ट लेवल के नोट्स पुश हो रहे होंगे उसके अलावा हम एक वेरिएबल लेंगे जिसे नाम दे देंगे लेफ्ट टू राइट और ये वेरिएबल किस लिए होगा ये वेरिएबल होगा हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो लेफ्ट टू राइट जब ट्रू होगा तो उस केस में हमारी डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट और जब भी वेरिएबल फॉल्स होगा तो उस केस में हमारी डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट तो जब भी हमारा लेफ्ट टू राइट ट्रू होगा तो सबसे पहले हम अपने करंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड को पुश करेंगे स्टैक में एंड देन राइट चाइल्ड को लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर फॉल्स है यानी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा यानी सबसे पहले हमारे स्टैक में पुश होगा राइट चाइल्ड एंड देन पुश होगा लेफ्ट चाइल्ड तो इसे अपने ही एग्जाम्पल की हेल्प से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं पूरी स्ट्रैटेजी को तो हमारे पास यहाँ गिवन है बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास हैं दो स्टैक्स जिनमें से पहले वाला है करंट लेवल के लिए दूसरे वाला नेक्स्ट लेवल के लिए ऑल्सो हमारे पास एक वेरिएबल लेफ्ट टू राइट जिसकी वैल्यू हमने शुरू में इनिशियलाइज कर दी है ट्रू से तो अब सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर हम जाएंगे फर्स्ट लेवल पर जाके हम जिस नोड को इनकाउंटर करेंगे अपनी डायरेक्शन के हिसाब से उसे हम डाल देंगे अपने करंट लेवल स्टैक में और फर्स्ट लेवल में यानी फर्स्ट लेवल या जीरो लेवल रूट वाले लेवल में हमारे पास एक ही नोड है यानी हमारा लेवल एक ही नोड के बाद ख़त्म हो गया है लेवल ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे करंट लेवल से नोड्स को निकालेंगे और उन नोड्स के चिल्ड्रन को हम पुश करना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेवल में क्यों क्योंकि करंट लेवल वाली नोट्स को तो हमने ऑलरेडी ट्रैवर्स कर लिया है अब उन्हें स्टैक से निकालना है उन्हें आंसर में ऐड करना है और उन नोट्स के जो नेक्स्ट लेवल पर नोट्स हैं उन्हें नेक्स्ट लेवल वाले स्टैक में हमें ऐड करना है तो अब लेवल ख़त्म हो गया है रूट का तो वन को हम बाहर निकालेंगे और उसे ऐड कर देंगे अपने आंसर में अब क्या करेंगे अब वन के लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड को हम नेक्स्ट लेवल स्टैक में पुश करेंगे तो वन का लेफ्ट चाइल्ड सबसे पहले पुश होगा क्यों क्योंकि लेफ्ट टू राइट ट्रू है तो उस केस में हम पहले लेफ्ट चाइल्ड पुश करते हैं स्टैक में एंड देन राइट चाइल्ड तो वन का लेफ्ट चाइल्ड टू एंड देन थ्री अपने नेक्स्ट लेवल स्टैक में पुश हो गया है अब हम क्या करेंगे स्टैक्स को रिवर्स कर देंगे यानी नेक्स्ट लेवल को को अब बना देंगे. को अब बना बना देंगे देंगे करंट करंट लेवल 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 एंड नेक्स्ट ये क्यों हुआ क्योंकि करंट लेवल हमने ऑलरेडी ट्रावर्स कर लिया था अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल को ट्रावर्स और नेक्स्ट लेवल को इसीलिए हमने करंट लेवल बना दिया अब क्या करेंगे अब एक एक करके अपने करंट लेवल से हम एलिमेंट्स को पॉप करेंगे अब हम क्या करेंगे अब हम सबसे पहले लेफ्ट टू राइट को ट्रू से फॉल्स बना देंगे यानी अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट डायरेक्शन बना देंगे एंड देन हम करंट लेवल से एक एक करके एलिमेंट्स पॉप करेंगे और उन्हें अपने आंसर में ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमने लेफ्ट टू राइट को कर दिया फॉल्स उसके बाद करंट लेवल से हम निकालेंगे थ्री थ्री को निकाल के हम आंसर में ऐड करेंगे एंड थ्री का जो राइट right चाइल्ड है वो ऐड हो जाएगा नेक्स्ट लेवल में क्योंकि करंट लेवल है टू और थ्री का लेवल और नेक्स्ट लेवल है फाइव का लेवल तो थ्री का राइट चाइल्ड फाइव ऐड हो गया नेक्स्ट लेवल में सिमिलरली थ्री की तरह हम टू को भी पॉप करेंगे पॉप करके उसे डाल देंगे अपने फाइनल आंसर में एंड टू का जो राइट right चाइल्ड है दैट इज फोर उसे पुश कर देंगे अपने नेक्स्ट लेवल स्टैक में तो इस तरह हमने टू और थ्री का लेवल कवर कर लिया है अब क्या करना है लेवल ख़त्म हो गया है लेवल ख़त्म हो गया है मतलब हमें नेक्स्ट लेवल को करंट लेवल बनाना है एंड करंट लेवल को नेक्स्ट लेवल बनाना है ऑल्सो हमें लेफ़्ट टू राइट की डायरेक्शन फॉल्स से चेंज करके करनी है ट्रू तो वो हम करते हैं लेफ़्ट टू राइट को हमने ट्रू बना दिया करंट लेवल से अब हम क्या करेंगे करंट लेवल से फोर को पॉप करेंगे और उसे अपने आंसर में ऐड करेंगे तो वो हमने कर दिया ऑल्सो फोर के चिल्ड्रन को हमें अब ऐड करना था नेक्स्ट लेवल में तो रूल क्या कहता है रूल कहता था लेफ्ट टू राइट अगर डायरेक्शन ट्रू है तो उस केस में पहले लेफ्ट चाइल्ड पुश होगा उसके ऊपर पुश होगा राइट चाइल्ड इसीलिए लिए फोर के लिए पहले सिक्स पुश हुआ नेक्स्ट लेवल स्टैक में एंड देन पुश हुआ सेवन सिमिलरली हम फाइव को भी पॉप करेंगे और उसे आंसर में ऐड करेंगे तो फाइव को हमने ऐड कर दिया आपने आंसर में अब यहां पर फोर एंड फाइव का भी जो लेवल है वो खत्म हो गया है अब हम बात करेंगे अपने ट्री के लास्ट लेवल की लास्ट लेवल यानी सिक्स एंड सेवन वाला लेवल उसके बाद उससे पहले हमारा लेवल जो खत्म हुआ है तो लेफ्ट टू राइट को हमें बनाना है ट्रू से फॉल्स एंड करंट लेवल वाले जो स्टाक में अब वैल्यूज हैं विच इज़ सेवन इन सिक्स उन वैल्यूज़ को हमें पॉप करना है और अपने आंसर में ऐड करना है सेवन को हमने पॉप किया और अपने आंसर में ऐड किया अब सेवन का कोई चिल्ड्रन नहीं है मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है राइट right चाइल्ड भी नहीं है तो इस केस में हमें कुछ भी पुश नहीं करना अपने नेक्स्ट लेवल स्टैक में सिमिलरली हम करंट लेवल स्टैक से अब सिक्स को पॉप करेंगे सिक्स को पॉप करने के बाद उसे फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे एंड सिक्स भी एक लीफ नोड है तो उसका कोई चाइल्ड नहीं है जिसे हमें ऐड करने की ज़रूरत है तो हमारे जो दोनों स्टैक वो खाली हो चुके हैं हमारा ट्री हमने पूरा ट्रिवर्स कर लिया है इस एग्जैक्ट मैनर में और हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आया है दैट इज वन थ्री टू फोर फाइव सेवन एंड सिक्स तो इस तरह दो स्टैक्स को यूज करके और एक डायरेक्शन वेरिएबल को यूज करके हमने एक स्ट्रैटेजी देख ली है जिससे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं जिग्जैक्ट रिवर्सल को अपने एक बाइनरी सर्च ट्री पर तो बात करते हैं जिग्जैक्ट रिवर्सल के कोड का तो हमने ऑलरेडी एक बाइनरी सर्च ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है जिसमें रूट नोड हमारे पास है ट्वेल्व इसमें लेफ़्ट चाइल्ड नाइन एंड राइट चाइल्ड फिफ्टीन है नाइन का लेफ्ट चाइल्ड 5 एंड नाइन का राइट चाइल्ड टेन है अब एक फ़ंक्शन लिखेंगे इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के लिए हम जिग्जैग ट्रिवर्सल प्रिंट करने के लिए तो फंक्शन का टाइप देते हैं वाइट और फंक्शन को नाम देते हैं जिगजैग Traversal. अब फंक्शन में हमारे पास क्या आएगा हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो होगा नोट पॉइंट रूट जो हमारे बी एस टी की रूट होगी और सबसे पहले हमने मेथड में डिस्कस किया था कि हम क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं दो स्टैक्स एंड दो स्टैक्स के अलावा हम क्या फॉर्म करने वाले हैं हम फॉर्म करने वाले एक वेरिएबल जो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और स्टैक्स जो होंगे वो यूज होंगे टू रिप्रेजेंट आर करंट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपने स्टैक्स को नोट पॉइंटर पहले स्टैक को नाम देंगे करंट लेवल एंड देन स्टैक स्टैक ऑफ पॉइंटर्स अगले को नाम देंगे नेक्स्ट लेवल और एक बार स्टैक्स कंस्ट्रक्ट हो गए उसके अलावा हमें क्या करना है एक बोलियन वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट की वैल्यू इनिशियली होगी हमारे पास ट्रू अब स्टैक्स में सबसे पहले पुश कर देनी है अपने करंट लेवल में हमें अपने ट्री की रूट तो करंट लेवल डॉट पुश रूट अब हमने स्ट्रैटी में डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं एक्ग्जैक्ट रिवर्सल के लिए हम लेवल वाइज अपने ट्री को ट्रिवर्स करते हैं एंड लेवल वाइज ट्री ट्रिवर्स करते हुए हम स्टैक से जो एलिमेंट्स हैं वो पॉप करते जाते हैं और उनके चिल्ड्रन को हम पुश करते जाते हैं अपने नेक्स्ट लेवल वाले स्टैक में तो हम सिमिलर चीज़ करेंगे एक वाइल्ड लूप लगा कर तो वाइल लूप में क्या होगा कंडीशन हमारे पास जो होगी वाइल्ड लूप में वो होगी करंट लेवल जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमारा लूप चलेगा एंड तब तक लूप में हम क्या करेंगे सबसे पहले करंट लेवल से टॉप पर जो एलिमेंट स्टोर्ड है उसे हम पॉप करेंगे करंट लेवल से और उसे स्टोर करा देंगे एक वेरिएबल में और इस वेरिएबल को नाम हम दे देते हैं टेम्प्रेरी वेरिएबल तो टेम्प्रेरी में स्टोर होगा क्या करंट लेवल डॉट टॉप उसके बाद करंट लेवल डॉट पॉप करके उस एलिमेंट को कम्प्लीटली हम रिमूव कर देंगे अब टेम्प के लिए कंडीशंस चेक करते हैं तो टेम्प के लिए हम क्या करेंगे टेम्प के लिए हम सबसे पहले टेम्प को प्रिंट करा देंगे टेम्प में जो डेटा स्टोर्ड है उसके बाद डायरेक्शन के हिसाब से जिस भी ऑर्डर में उसके चिल्ड्रन को हमें ऐड करना चाहिए उस ऑर्डर में ऐड करेंगे तो अगर टेम्प जो है हमारा वो नल नहीं है तो उस केस में हम आउट करने वाले हैं टेम्प का डेटा और एक बार हमने टेम्प का डेटा प्रिंट कर दिया अब उसके चिल्ड्रन को किस ऑर्डर में हमें पुश करना है अपने स्टैक में उसकी बात करते हैं तो हमने स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था कि लेफ्ट टू राइट वेरिएबल जब भी ट्रू है तो सबसे पहले पुश करते हैं अपने टेम्प का लेफ्ट एंड देन टेम्प का राइट right. बट अगर लेफ्ट टू राइट इज फॉल्स यानी डायरेक्शन इज एक्चुअली राइट टू लेफ्ट तो उस केस में हमें पुश करना है पहले स्टैक में टेम्प का राइट एंड देन टेम्प का लेफ्ट तो कंडीशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी इफ लेफ्ट टू राइट अगर ये वैल्यू ट्रू है तो उस केस में अगर टेम्प का लेफ्ट जो है वो नल नहीं है तो उसे नेक्स्ट लेवल स्टैक में हम पुश करेंगे एंड सेम चीज हम करने वाले हैं टेम्प के राइट right के लिए तो अगर टेम्प का राइट right जो है वो नॉट नल वैल्यू का है तो नेक्स्ट लेवल में हम पुश करेंगे टेम्प का राइट right. तो ये हमने इफ लेफ्ट टू राइट की कंडीशन लिख ली अब एक एल्स कंडीशन लगा के राइट टू लेफ्ट की भी कंडीशन लिखते हैं कमेंट में राइट टू लेफ्ट तो ये कैसे होगा ये एल्स की कंडीशन के साथ होगा और एल्स में हम क्या लिखेंगे एल्स में हम सिमिलर चीज लिखेंगे बट सबसे पहले चेक करेंगे टेम्प का राइट right. तो अगर टेम्प का राइट इज नॉट नल देन नेक्स्ट लेवल में पुश करेंगे टेम्प का राइट एंड देन इफ टेम्प का लेफ्ट इज नॉट नल देन नेक्स्ट लेवल में पुश करेंगे टेम्प का लेफ्ट तो ये हमने कंडीशन लिख, लिख ली है अपनी दोनों डायरेक्शन की लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट अब कंडीशंस क्लियर होने के बाद अब जब हमारा एक लेवल ख़त्म हो जाता था तो अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है अब हमें अपने डायरेक्शन को चेंज करना है मतलब लेफ़्ट टू राइट को राइट टू लेफ्ट या राइट टू लेफ्ट को लेफ्ट टू राइट करना है ऑल्सो हमें हमने अपने दोनों स्टैक्स को हमें स्वाप करना है मतलब करंट लेवल को अब हम नेक्स्ट लेवल बना देंगे और नेक्स्ट लेवल को करंट लेवल बना देंगे और हम ये कब करेंगे हम ये तब करेंगे जब हमारे एक लेवल की सारी की सारी नोट्स ट्रिवर्स हो चुकी होंगी हमारे पास तो ये जो कंडीशन होगी ये आएगी इस टेम्प वाली कंडीशन से बाहर यहां पर हमें जो पेरेंथेसिस है वो इफ टेम्प पर खत्म नहीं करना चाहिए हमें पेरेंथेसिस को खत्म करना चाहिए अपनी एल्स कंडीशन के बाद क्यों क्योंकि अगर टेम्प नॉट नल हुआ तभी हम उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को चेक कर पाएंगे पर अगर टेम्प नल हुआ तो उस केस में हम न राइट right को चेक कर पाएंगे ना लेफ्ट को चेक कर पाएंगे दैट इज़ वाई हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है विच इज़ इफ टेम्प वो एक्सटेंड होनी चाहिए अपनी डायरेक्शन की कंडीशन तक तो एक बार हमने कंडीशन लिख दी उसके बाद हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि करंट लेवल जो स्टैक है वो एम्प्टी हुआ है क्या एंड अगर हमारा करंट लेवल स्टैक एम हो जाता है तो इसका मतलब है हमने एक लेवल खत्म कर लिया है अपने बाइनरी ट्री में और एक लेवल खत्म करने पर हम क्या करते हैं हम लेफ्ट टू राइट को बना देंगे ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट टू राइट ऑल्सो हम स्वॉप कर देंगे अपने करंट लेवल को नेक्स्ट लेवल के साथ एंड फाइनली हमें कुछ रिटर्न नहीं करना क्यों क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो प्रिंट करता है जग्जैक्ट रिवर्सल को सो देर इज़ नथिंग टू रिटर्न बट हमें ज़रूरत है एक बेस कंडीशन लिखने की और वो बेस कंडीशन क्या होगी वो बेस कंडीशन ये होगी अगर हमें जो रूट मिलता है वो ऑलरेडी नल है तो इस केस में तो ट्रिवर्सल में कुछ प्रिंट होने की ज़रूरत नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे इस केस में डायरेक्टली हम रिटर्न होने वाले हैं अपने फंक्शन से तो हमने जगजैक्ट रिवर्सल का जो फंक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है और हम साथ के साथ क्या करेंगे हम हेडर फाइल्स में इंक्लूड करेंगे अपने स्टैक को यूज करने के लिए स्टैक वाली हेडर फाइल एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हम मेन फंक्शन में जाकर इस जिग्जैक ट्रिवर्सल के फंक्शन को टेस्ट करने का कोड लिखेंगे तो कॉल लगाते हैं फॉर जिग्जैक ट्रिवर्सल और इस कॉल में हम पास करेंगे अपनी रूट एंड देन सी आउट कर देंगे एंड लाइन। तो कोड को सेव करके अब रन करते हैं अपने इस गिवन बीएसटी के लिए तो हमारे बी के लिए जो हमारे पास एग्जैक्ट रिवर्सल आउटपुट आया है ट्वेल्व फिफ्टीन नाइन फाइव एंड टेन अब ध्यान से देखें अपने बीएसटी को तो लेफ्ट से राइट right जाए तो पहले आएगा ट्वेल्व देन सेकेंड लेवल में राइट right से लेफ्ट जाए 12 15, 9. Right तो ट्वेल्व के बाद फिफ्टीन दिन नाइन अब दोबारा लेफ्ट से राइट जाए तो फाइव एंड टेन ट्वेल्व फिफ्टीन नाइन फाइव एंड टेन विच इज सेम एज आउटपुट जो हमारे फंक्शन ने हमें रिटर्न करके दिया है सो so दैट की कीट रिवर्सल के लिए दो स्टैक्स को यूज़ करके और अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम बिग ऑफ एन में अपने पूरे ट्री का ट्रिवर्सल निकाल सकते हैं और ये बिग ऑफ एन कैसे आया ये इसलिए आया क्योंकि हर नोड को हम सिर्फ एक बार ही अपने स्टैक में पुश कर रहे थे एंड एक बार ही अपने स्टैक से पॉप कर रहे थे दैट इज़ वाई हम ट्री की हर नोड में मैक्सिमम दो बार जा रहे हैं एंड दैट इज़ वाई बिग ऑफ एन हमारे पास बिग ऑफ टू एन से आया है टाइम कम्प्लेक्सिटी में वी इग्नोर ऑल द कॉन्स्टेंट सो दिस वॉज इट फर टूडे आई होप आपको सब समझ आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रसिंग